कलकत्ता मंचन समिति लाजपत नगर में वृंदावन से आए ब्रजलोक लीला संस्थान के कलाकारों ने स्वामी घनश्याम भारद्वाज के निर्देशन में रामलीला का मंचन किया गया। मंचन में दिखाया गया कि राजा मनु का दरबार सजा है। वे वंती रिकॉर्डों के साथ विचार विमर्श करते हैं। मन में वैराग्य उत्पन्न होने पर वे अपने पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी सौंपकर रानी सत्यारूपा के साथ वन में तपस्या करने निकल जाते हैं। उनकी तपस्या प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके पुत्र के स्वरूप में जन्म लेने का वचन देते हैं। अगले जन्म में राजा मनु के दशरथ बनते हैं और उनके यहाँ भगवान राम का जन्म होता है। इसके अलावा रावण कुंभकर्ण का और विभीषण का तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी रावण को अमरता का, कुंभकर्ण का निर्दासन का और विभीषण को प्रभु भक्ति का वरदान देते हैं। इस दौरान महेश चंद अग्रवाल, विनोद सक्सेना, मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी आदि मौजूद रहे। मन चाहिए, वस्तु चाहिए तो तुम भी तपस्या करो, तब कहिए कोई वस्तु अतेह नहीं है, अपितु सभी वस्तु सहज में ही सुलभ हो जाती है।